हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ और आई होप कि आप सब भी ठीक होंगे। अच्छा जी, ये आज मुझे लाहौर में आए हुए 2 दिन शायद हो चुके हैं, परसों में आई थी। तो बस मैं कह रही हूँ, इतनी थकावट हो गई थी मुझसे तो बिल्कुल वीडियो भी नहीं बन रही थी, मैं इतनी थक चुकी थी। तो बस मैं सोच ही रही थी कि कैसे क्या वीडियो बनाऊँ, कैसे बाहर जाना ही नहीं हो रहा था। तो खैर, रात के टाइम आज मैं ना बाहर गई थी, तो ये कोई ख़ास नहीं, बस वैसे ही शेक वगैरह पीने के लिए ना, तो हम लोग रात के टाइम बाहर निकले थे। तो पहले तो मेरी थकावट ही नहीं उतरी थी, इतना लंबा सफ़र तो खैर मैंने पहले भी किया हुआ है, लेकिन ऐसे अकेले में फ़र्स्ट टाइम लाहौर आना और ऐसे ट्रैवल करना। पहले तो गाड़ी में आती थी, बस में तो ट्रैवल करना बहुत मुश्किल था, तो इस वजह से मैं बहुत थक चुकी थी। दिल ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का ना, तो मैंने कहा अब क्या बंदा करे। खैर, ये मैं ना निकली थी बाहर जूस शेक वगैरह पीने के लिए, तो इतनी खूबसूरत ये व्यू लग रहा था ना मुझे लाहौर का, लाइटिंग हर जगह पर। यही मुझे लाहौर की सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि यहाँ पे ना रात के टाइम ऐसे लग रहा होता है जैसे ना दिन हो। ये बहुत अच्छा है, ये मुझे ना यहाँ का ये लगता है, ऐसे लाइटिंग शाइटिंग ये वो ना सारा कुछ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आया। वैसे मुझे बाहर जाके भी मैंने खूब इंजॉय किया, और बस अब इंशाल्लाह सुबह से मैं ना आपको आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो अभी खैर आज से, अभी मतलब रात से ही मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की है। तो ये अब मैं जा रही थी, ये ना अनारकली में ना हाफिज़ जूस कॉर्नर वाले हैं, इनका जूस इतना मज़े का होता है ना कि आप यकीन करें कि ऐसा जूस मैंने कभी नहीं पिया। अगर आप में से कोई भी मतलब लाहौर में रहता है और या तो ये अनारकली मतलब कोई भी अगर मेरी वीडियो देख रहा है लाहौर में से, तो वो ज़रूर ये ना हाफिज़ जूस कॉर्नर पे जाए। ये वैसे ना खोया खजूर के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो इस वजह से मैं तो इनका जब भी जाती हूँ ना, मैं तो बनाना शेक पीती हूँ, और बाकी सब ये इन्होंने मौसमी का जूस वगैरह लिया था, वो भी बहुत मज़े का होता है, लेकिन मुझे पर्सनली तौर पे ना बनाना का शेक बहुत पसंद है, तो मैंने ना वो ले लिया था। बस लाहौर में जब मैं आ जाती हूँ ना, तो ऐसे लगता है जैसे ना बंदे की रात के टाइम ही ना दिन हुआ हुआ था, और दिन के टाइम ऐसा लग रहा था जैसे रात है, रात के 2-3 बज जाते हैं, जब मर्ज़ी बाहर चले जाओ और आ जाओ। जैसे कराची को सब कहते हैं ना कि ये एक रोशनियों का शहर है, ऐसे ही मुझे लाहौर ऐसे लगता है कि जैसे ये भी एक रोशनियों का ही शहर है। तो खैर, पाकिस्तान के सारे शहर ही बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, और बस ऐसे करके बस मेरा ना आज का दिन गुज़र गया। कोई ख़ास काम नहीं किया हुआ यहाँ पे, असल में मेरे मामू वगैरह रहते हैं, तो मैं उनके पास हूँ, और बस तो उन्हीं के साथ में बल्कि बाहर आउटिंग के लिए निकली थी। तो बस ऐसे करके मेरा आज का दिन गुज़र गया इन सब के साथ। तो ये बस मैं पहुँचने ही वाली थी अनारकली, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया मुझे ना आज। देखिए इतनी रौनक थी ना बाहर निकलते साथ ही, ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या हो गया। ये है उनकी शॉप, यहाँ पे मैं गई थी, ये इनकी ना कॉर्नर पे ही इनकी ये खोया खजूर की मतलब ये हाफिज़ जूस फ्रूट जूस कॉर्नर के नाम से है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कि कैसा है, मुझे तो बहुत पसंद है। और यहाँ पे इतना रश लगा होता है ना, बहुत ज़्यादा रश होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और ये है मेरा बनाना शेक, बहुत मज़े का था। तो जो भी ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे बताएं कि ये कैसा है इनका जूस या शेक वगैरह। और बस जैसे हम लोगों ने पिया है, फ्री हुए हैं, तो हम लोग वापस घर के लिए निकल आए हैं। तो अगर आपको प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें,
इंशाल्लाह मैं जैसे ही अब कल से वीडियोस बनाऊंगी और आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी कि मैं कहाँ कहाँ पे गई हूँ और क्या लिया और क्या देखा, और आपको अपने आप भी मेरे साथ साथ रहिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। देखें बहुत खूबसूरत है ये व्यू, तो मुझे बहुत पसंद है ये जो सी लाइटिंग है ना, कमाल की है ये वाली, ज़बरदस्त, ऑसम। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।